हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, स्वागत है तुम लोगों का मॉडेड वन ब्लॉक प्रोजावा लॉन्चर की एक और न्यू एपिसोड पे। और हाँ गाइस, इससे पहले कि मैं गेम प्ले पे जाऊँ, थोड़ा बहुत तुम लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ पे पूछा है एटीएम 6 ओरिजिनल वाले भाई फुल्ली ओके पोजा लॉन्चर पे चला सकते हो, बट वो काफी ज्यादा स्लो होगा एंड फोन पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से भाई फोन की मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। और हाँ भाई, लेटेस्ट वर्जन के लिए मत पूछना लाइक 1.16 भाई पुराने वर्जन बेस्ट है। और दूसरा है कि भाई लोगों के फोन पे भाई सपोर्ट नहीं हो रहा पोजा लॉन्चर, सो इसके लिए भाई एक चीज है, मैं पॉकेट एडिशन खेलने वाला हूँ इसी टेम सेम लेवल के। और भाई उससे भाई बुरा मत मानना पॉकेट एडिशन, भाई पॉकेट एडिशन जावा के लेवल पे हो चुका है अभी। और हाँ, अब चलते भाई कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी सिस्टम को सेटअप किया है, तो जो ये चेस्ट देख रहे हो ये एनर्जी कंडेंसर है, और इसके आसपास जो ग्लोस्टोन टाइप है तो ये है एनर्जी कलेक्टर। अब एनर्जी कलेक्टर पे एनर्जी जनरेट होता है ईएमसी पावर, और ये कंडेंसर पे आ जाता है। और इसके ऊपर मैंने फिल्टर लगा कर रखा है इस वाले कोल की, तो एल्केमिकल कोल की मैंने फिल्टर लगा कर रखा है। अब जितनी भी एनर्जी जनरेट होगा ये एल्केमिकल कोल जनरेट करने वाला है। यस, तो ये ऐसा सिस्टम कि ईएमसी से हम लोग दूसरी चीज़ें बना सकते हैं ओके। और यहाँ पे सभी चीज़ें बनने नहीं वाला, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के जिन पे ईएमसी पावर नहीं है। और ये जो भाई ग्लोस्टोन टाइप मैंने भाई एनर्जी कलेक्टर लगाया है, याद रखना है कि ये कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहे, यानी कि छुए रहे। और ये है भाई फिल्टर वाला स्लॉट, यहाँ पे रखोगे तो जितना एनर्जी जनरेट होगा वो सारे एनर्जी यहाँ पे आके भाई वो सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करने वाला है। और इसको तुम ईएमसी टेबल पे डाल सकते हो, जिससे भाई तुम्हारी ईएमसी इंक्रीज हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि भाई ये जो ग्लोस्टोन टाइप एनर्जी कलेक्टर है, ये कंडेंसर यानी कि ये जो चेस्ट है इसको कनेक्ट रहे भाई, इसको टच करेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला ओके। तो और हाँ, पिछली बार मैंने ये जो भूसेस लगाया था तो इनसे भाई वेजेस मिलते हैं, और इन वेजेस से भाई अच्छे खासे फूड्स भी बनते हैं। और यहाँ पे तो हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा यूनिक फूड्स कंज्यूम करना है। और राइट गाइस, तो अब मैं सोचा यहाँ पे एक मॉब फार्म बनाया जाए। आगे की जो भी चीज़ें बनाने जा रहा हूँ वो सभी मॉब फार्म के ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको मैं भाई बनाने वाला था, बट ये डेजर्ट के अंदर आ जाता है। यहाँ पे भी डेजर्ट है, जिसके वजह से तुम्हें ये वाले रैबिट दिख रहा है, डेजर्ट वाले रैबिट ओके। खैर छोड़ो, कोई नहीं। और यहाँ पे अपना फ्यूल बन रहा है, मोबियस फ्यूल मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, जो कि 2000 EMC पे आती भाई कॉपी हो जाता है। यस, तो ये चीज़ों को EMC से चीज़ें बनाते हैं, और यही चीज़ों को यहाँ पे लर्न करवा के मैं EMC जनरेट कर सकता हूँ। और जितना भाई बने भाई इनको अपडेट करते जाओ, ये जितना भी एनर्जी कलेक्टर है इन्हें अपडेट करते जाओ भाई। मैंने पिछली बार अपडेट किया है और अभी इन सभी को कॉपी करके रखा हूँ, तो यहाँ से निकाल रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे भाई क्वेस्ट है, तो ये वाले क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले ओके। सारे ओर आ चुका है मेरे पास हुई टेंडर पर, तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। और मैंने अपनी मॉब फार्म को थोड़ा बहुत काम किया है, सो इसको मैं ऊपर से ढकने वाला हूँ, और ये कुछ ऐसे रहने वाले वन बाई वन। और मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था भाई, मुझे एक एक ब्लॉक रखना चाहिए था, वरना स्पाइडर स्पॉन होकर दिक्कत देगा। यस, तो ये वाले मॉब फार्म भाई स्पाइडर से बहुत दिक्कत देता है। यहाँ पे तुम स्पॉनिंग ब्लॉक एक ही रखो और उनमें एक ब्लॉक की गैप रखो, तो उससे स्पाइडर स्पॉन नहीं होता ओके। फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं था, सो ये दिक्कत हो गया। तो अब मैं इसको भाई जल्दी से ढक देता हूँ। ओ भाई, नीचे गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ओके गाइस। मैं नीचे गिर गया था, और मेरे सामान देखो। यस भाई, मेरे पास सारे सामान जा चुका है, सारे मैंने वॉइड पे डाल दिया है भाई गलती से गिर के। अभी मैं दोबारा से सारे सामान बनाने वाला हूँ, बट उसके लिए मुझे काफ़ी सारी XP चाहिए, और मेरी वो वाले फार्म अभी तक रेडी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नेदर पे आया हूँ। वैसे नेदर पे दोबारा आना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे मुझे लूटिंग 3 की स्वॉट मिल चुका है। बाकी भाई मैं भूल ही गया था कि मैंने एक इमरजेंसी स्वॉट यहाँ पे रखा था, मैंने बेकार पे भाई नॉर्मल स्वॉट से भाई इन पिगलिंस को मारे, जबकि मेरे पास लूटिंग 3 के स्वॉट था भाई, इससे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाता था ओके। और यहाँ पे काफ़ी सारे अपने पास एन्चेंटमेंट बुक थे, बट अनलकीली भाई इन पे ईएमसी पावर है, बट इनको भाई लर्न करवा के सेम बुक से नहीं मिलेगा ओके। और यहाँ पे भाई ये पिक एंडरमैन ये भी ज़्यादा दिक्कत देते हैं। एक एंडरमैन फार्म भी बनाना ज़रूरी है ओके। सो भाई पहले तो दिक्कत यहाँ पे ये है भाई, इस मॉप अगर गलती से कोई भी क्रीपर फूटा तो मैं गया ओके। ये काम काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहा है ओके। तो अब बस मुझे इन्हें मारना है और इनसे लूट कलेक्ट करना है। अभी दिखा तो भाई इसकी लूट कितना खतरनाक है ओके। पहले मैं जरा इन सभी को एक जगह पे असेंबल कर लेता हूँ ओके। अभी मेरे पास EMC है 5,03,000। ओ भाई, अभी 7,00,000 हो गया भाई साहब, कितनी जल्दी अपनी EMC बढ़ गया, क्योंकि भाई क्रीपर की बॉडी पार्ट पे EMC काफ़ी ज़्यादा मिलता है ओके। अगर वो चार्ज कीपर हो तो उससे और भी ज़्यादा मिलेगा भाई साहब ओके। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे डाल दिया है, एंड ये भी डाल देते जल्दी से। चलो यहाँ पे 8,000 की EMC पावर आ चुका है,
नाइस हो भाई, 8,000 आई मीन 8 लाख, 8 लाख की एमसी पावर। और मैंने यहाँ पे जो स्टार बनाया था बार बार इन्हें तोड़ के भाई मैं यहाँ से भाई निकाल रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एमसी बन रहा है इन चीज़ों की, सो इन चीज़ों को भी कलेक्ट करना होगा। ओके अब बस मुझे क्राउच होके से लगाना है। ओके तो इन सभी को इसके अंदर डाल देते हैं, क्या बन जाएगा, एक और मार्क 3। ओके गाइस तो अब यहाँ पे जो EMC वाला सिस्टम है ना, तो अब इसको थोड़ा इंक्रीज करना होगा, यानी कि अगर मैं एनर्जी कंडेंसर की हर तरह से मैं EMC जनरेटर लगाऊँ तो मैं मैक्सिमम 6 ही लगा सकता हूँ, बट ये है एंटी मैटर रिले तो इसकी मदद से मैं 6 से ज़्यादा मैं लगा सकता हूँ। यस तो ये मुझे भाई हेल्प करने वाला है भाई। ओके तो इसको जल्द से मैं बना लेता हूँ और इन सभी को एक एक लेवल करके अपडेट करने वाला हूँ ऑब्वियसली, और सभी को यहाँ पे लर्न भी करना है क्योंकि भाई इसके बिना काम नहीं होगा, वरना हर बार भाई सेम चीज़ें करना पड़ेगा बार बार। ओके तो जल्द से भाई मैं रेडी कर लेता हूँ सामान। ओके ये आ गया मार्क 2 एंड इसी को अगर मैं अपडेट कर लूँ तो ये आ जाएगा मार्क 3। चलो मेरे पास लेवल 3 का आ चुका है। ओके तो अब इसको भाई कनेक्ट करने की टाइम आ चुका है और उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी चीज़ें लेना है। ओके ओके मैंने इसको भाई लर्न भी करवा दिया है, नाइस। और राइट मैं इन सभी को यहाँ से हटा रहा हूँ ये स्टार्ट टाइप के। अभी भाई यहाँ पे कुछ अलग टाइप की चीज़ें जनरेट करना होगा, बिल्डअप करना होगा, एक सिस्टम बिल्डअप करना है इसको। ओके इसकी भाई साहब तो मैंने इसे भाई 3 ब्लॉक हाइट के ऊपर लगाऊंगा, टोटल 4 ब्लॉक हाइट होगा इसका। ओके सो जल्द से भाई इसको यहाँ पे इस टाइप के फेस पे लगाते हैं। ओके लग चुका है, नाइस। एंड यहाँ पे एंटी मैटर रिले को हर साइड से लगाना है। ओके मैंने ऊपर से लगा दिया है, ऊपर से साइड से हर जगह से मुझे भाई इसे लगाना होगा ताकि ये सही से काम करे। ओके यहाँ पे भी लग चुका है ये। अब देखो गाइस ये जो एंटी मैटर रिले को मैंने लगाया है इसको मैंने सेम एज एनर्जी का EMC जनरेटर की तरह मैंने लगा के रखा है, बट इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। ये यार भाई यार मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया था कि मैंने यहाँ पे एल्केमिस्ट के चेस्ट को लगा दिया था। सिंपल है भाई, पहले भाई तुम्हें यहाँ पे एनर्जी कंडेंसर को प्लेस करना है, देन चारों तरफ से भाई तुम्हें उसे भाई कवर करना होगा एंटी मैटर रिले से, बस एक जगह छोड़ देना। ओके एंड देन गाइस जहाँ पे जहाँ पे एंटी मैटर रिले है वहाँ पे तुम इस वाले EMC जनरेटर को लगा सकते हो, ये कनेक्टेड है तो ये कहीं से भी फ्यूल को सेम जगह पे पहुंचाता है। ओके तो ये है सेम काम इसका। ओके तो अब मैं जो भी जितना भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई, तो मुझे याद रखना कि ये सब के सब इस रिले के साथ कनेक्टेड हो, वरना दिक्कत हो जाएगा। ओके तो ये काफ़ी सही तरीके से सेटअप हो चुका है, तो अब मुझे इससे भाई EMC मिलेगा और एक बार चेक कर लेता हूँ भाई इसमें सामान बन रहा है कि नहीं। ओके बन रहा है और इसकी स्पीड देखो, अभी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, नाइस यही चाहिए था। ओके देन गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा से अपनी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। ओके एंड इसे मैनुअली मारना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भाई किलर से मारता हूँ। तो ये आ गया भाई अपने पास किलर। ओके एंड जल्दी से मैं इसको अपडेट भी कर लेता हूँ। ओके तो ये आ गया आयरन किलर की अपडेट, नाइस। और अब टाइम आ गया डायमंड किलर, चलो इसको भी मैं बना लिया। ओके तो अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि इन सभी मॉब्स को मारना होगा और फिर मुझे भाई इसे प्लेस करना है। या ओके मर चुका है, अब प्लेस कर रहा हूँ। अब इससे एक दिक्कत है कि मुझे भाई XP नहीं मिलेगा, खैर चलो कोई नहीं। और इसको एक्टिव करने के लिए मुझे कोल देना पड़ेगा या फिर कोई भी फ्यूल दोगे भाई चालू हो जाएगा। ओके तो ये मशीन टाइप किलर है और इसको स्वॉट भी देना पड़ेगा, मतलब भाई सब कुछ खुद ही देना पड़ेगा। और अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं एन्चेंटेड वाला स्वॉट दूंगा तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करेगा, तो मैं यहाँ पे एन्चेंटेड कुछ और स्वॉट्स बना लेता हूँ, फिर भाई देखते हैं। ओके XP की कोई कमी नहीं है, बाकी मैं थोड़े और XP यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये वाले जनरेटर XP फार्म पे काफ़ी जल्दी XP में हो जाता है। और थोड़े बहुत मेरे पास भाई बुक था और मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पे ट्रैश कैन बना लेता हूँ भाई, कूड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कूड़ादानी जो भी है व्हाटएवर। सो इस ट्रैश कैन को कुछ यहाँ पे रखते हैं और जितना भी भाई बेकार के अपने पास आर्मर है इन सभी को इसके अंदर डाल देते हैं। ना ही मैं इसे लान करवा सकता हूँ, ना ही मैं इसको भाई कुछ और काम पर लगा सकता हूँ, बस ये ऐसा ही है। ओके तो ये ट्रैश कैन काफ़ी अच्छा है और बाकी की जिनमें भाई EMC है वो सारी चीज़ें मैं अपनी भाई चेस्ट से दूसरे चेस्ट पे डालने वाला हूँ या फिर अपनी EMC टेबल पे डालने वाला हूँ। ओके और यहाँ पे बोस कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। ओके तो मैं एक और मैं यह निकाल लेता हूँ और इसको सामने की ओर लगा देता हूँ
जस्ट लाइक दैट और राइट। तो इससे वह अपना स्पीड तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके ओके अब ये बढ़ चुका है। ओके अभी ये काफ़ी फास्ट फास्ट यहाँ पे काम करने स्टार्ट कर चुका है। और एक और चीज़ मैं बना लेता हूँ, फोकलिन डॉल, और इसी डॉल को अपग्रेड करके भाई एंग्री डॉल पे बदल सकता हूँ। ओके ये रहा रेसिपी, तो ये आ गया अपना एंग्री डॉल। और भाई इसकी यूज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, भाई ये डॉल कुछ ज़्यादा ही एंग्री है। पहले लर्न, ओके जो भी चीज़ है पहले भाई लर्न करवाओ, फिर भाई देखो क्या करना है। ओके तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना दिया है और ये एरिया बनेगा मशीन्स के लिए। ये तो यहाँ पे काफ़ी सारे मशीन्स वाले काम होने वाला है और जिसमें भाई मेकेनिज्म के मशीन्स भी होने वाले हैं। ओके सो अब मुझे यहाँ पे भाई एक लावा लाना है जो कि काफ़ी इजी है, बस मुझे इसको कुछ ऐसे करके भरना है। ओके तो लावा इसमें आ चुका है और मैंने भाई डॉल को इसके अंदर डाल दिया है, बस हाथ में लो और इस वाले बैरल पर क्लिक करो तो भाई हो जाएगा। और मुझे अब थोड़ा देर के लिए वेट करना होगा, थोड़ी देर के लिए फिर भाई ये स्पॉन करने में लग जाएगा। ओके बस मुझे वेट करना है। ओके इसने स्पॉन भी किया है, चलो अच्छी बात है। सो जैसे भाई इसे मार के इसे ब्लेस रॉड ले लेते हैं। चलो ब्लेस रॉड मिल गया और अपना क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नाइस नाइस। और राइट गाइस तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, पसंद आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन्हें भाई ये मॉड पैक खेलना है तो भाई उन लोगों के लिए डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो चाहो जाके भाई डिस्क्रिप्शन को चेक करो, डाउनलोड करो, खेलो, मजे लो। एंड एक चीज़ बोलना मत भूलना, जितना भी भाई न्यू मॉडेड सीरीज मैं खेलूँगा पोजा ब्लॉन्जर की, और मैं पोजा ब्लॉन्जर की लास्ट वीडियो पर बताऊँगा। ओके एंड उसके साथ साथ भाई इसकी एपिसोड बहुत जल्दी जल्दी लाने की ट्राई करूँगा। बाय बाय।